हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी अरारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। जैसे कि हम LLB थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में देख रहे हैं। इस पेपर में हम आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 देख रहे थे, जिसमें हमने पेनल्टीज़ के बारे में पिछली क्लासेस से हम देख रहे थे, जो सेक्शन 270 से 275 तक ने हमने पूरा किया था। इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में प्रोसिक्यूशंस के बारे में, यानी कि अभियोजन की कार्रवाई के बारे में बात की गई है, जो कि हमारे पिछले लेक्चर से ये टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि जब कोई करदाता कर का संदाय नहीं करता है तो उस सूरत में उस पर पेनल्टीज यानी कि शास्ति और अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जाती है। तो हम जैसे कि देख रहे थे, पेनल्टीज़ की कार्रवाई सेक्शन 270 से 275 में जब पूरी कर ली जाती है, उस पर शास्ति अधिरोपित की जाती है, पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, तो वो कब इन पेनल्टीज़ को पूरा करता है और कब उन पर पेनल्टीज़ ना देने के कारण उस पर अभियोजन की कार्रवाई शुरू होती है। हम जैसे कि प्रोसिक्यूशंस की कार्रवाई में अभियोजन की कार्रवाई में हमने पिछली क्लास में देखा सेक्शन 275 ए में कि कब धारा 132(3) के अंतर्गत तलाशी की कार्रवाई करने वाले अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करता है और तब उसे अर्थदंड और कारावास दोनों की सजा होगी। 276 में हमने देखा कर वसूली को निष्प्रभाव बनाने हेतु संपत्ति को हटाता है, छुपाता है, हस्तांतरित करता है या सुपुर्दगी करता है, यानी कि रिमूवल, कंसाइनमेंट, ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रोवाइड टैक्स रिकवरी के बारे में। तो अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को हटाता है, छुपाता है, स्थानांतरित करता है करदाता, कि जिससे कि उसको कर का संदाय ना करना पड़े या कर प्रवंज ना करे और कर देने से बच जाए, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमने फिर देखा 276 सब क्लॉज ए में फेलियर टू कम्प्ले विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 और 3 ऑफ सेक्शन 178, कि कब 178 सब क्लॉज 1 और 3 के अकॉर्डिंग अगर वो व्यक्ति काम नहीं करता तो उसको जुर्माना और कारावास दोनों की सजा होगी। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में देखा सेक्शन 276 ए बी में फेलियर टू कम्प्ले विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 UC, 269 UE एंड 269 UL में, कि कब करदाता इन धाराओं के अनुसार जो प्रोविजन दिए गए, प्रावधान दिए गए, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो इन धाराओं में भी उसे वापस उसी तरीके से अर्थदंड किया जाएगा और कारावास की भी सजा होगी। फिर हमने देखा सेक्शन 276 बी में फेलियर टू पे टैक्स टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकारी कोष में जमा कराने में त्रुटि के बारे में, कि जब करदाता को सरकारी कोष में कर की अदायगी करनी है और वो कर नहीं करता तो उसके ऊपर वही अर्थदंड और कारावास की सजा दी जाती है। इन धाराओं के अलावा आज हम सेक्शन 276 सी की बात करेंगे, विलफुल अटैम्प टू एविडेट टैक्स एटसेट्रा, जानबूझकर आदि के भुगतान से बचना, यानी कि व्यक्ति जो करदाता है वो जानबूझकर के कर देने से बचना चाहता है, तो 276 सब क्लॉज सी इस बारे में प्रोविजंस करती है, प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से जानबूझकर ब्याज या अर्थदंड से बचने अथवा उनके भुगतान से बचने की कोशिश करता है तो वो दंड का भागी होगा। यहाँ जैसे कि साफ इसमें दे रखा है विलफुल अटैम्प, यानी कि जानबूझकर के अगर कोई व्यक्ति करता है तो यदि ऐसी राशि जिससे उस व्यक्ति ने बचने का प्रयास किया था 1,00,000 रुपये है तो कम से कम 3 महीने और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का कारावास और अर्थदंड दोनों दिया जाएगा, यानी कि उसको यहाँ पर भी कारावास की भी सजा होगी और अर्थदंड भी ये दिया जाएगा। फिर यदि ऐसी राशि जिसमें उस व्यक्ति से बचने का प्रयास किया था 1,00,000 रुपये से अधिक है तो कम से कम 6 महीने की और अधिक से अधिक 7 साल तक का कठोर कारावास और दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर साफ उसने दे रखा है कि अगर ज़्यादा राशि होगी तो पनिशमेंट भी ज़्यादा हो गई और यहाँ पर कठोर कारावास का उसको दंड दिया जाएगा। सेक्शन 276 सी में ये बात विलफुल अटैम्प्ट की गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे करदाता होते हैं जो अनजाने में ही गलती कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 276 सी ये कहता है अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर के टैक्स की पे नहीं करता है और अवहेलना करता है और कोशिश करता है कि वो बच जाए तो उसको अर्थदंड और कारावास दोनों की सजा दी जाएगी।
आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 276 सीसी की, फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। आयकर के विवरणी प्रस्तुत करने में ही गलती कर देना, त्रुटि करना। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 139(1) और 142(1) या सेक्शन 148 के अंतर्गत जानबूझकर अपनी आय की विवरणी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करता तो निम्न दंड का भागी होगा। कौन कौन से दंड देंगे? जैसे कि शुरू से हम देख रहे हैं कि इसको आय की विवरणी प्रस्तुत करनी है, लेकिन यहाँ वो ये कह रहा है कि आय की विवरणी प्रस्तुत करने में अगर गलती कर दी जाए तो उक्त ट्रिक को मालूम ना होने पर बचने वाली राशि 1,00,000 रुपये तक की है तो कम से कम 3 महीने और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और दंड की सजा दी जाएगी। यदि उक्त त्रुटि के मालूम न होने पर बचने वाली राशि 1,00,000 रुपये से अधिक हो तो कम से कम 6 महीने और उससे अधिक से अधिक 7 वर्ष तक का कारावास, कठोर कारावास और अर्थदंड दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है सेक्शन 276 सीसी में। यहाँ पे ये बात कही गई है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें अपराध करने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंड का भागी नहीं होगा। अब तो कब नहीं होगा सेक्शन 276 सीसी के एक्सेप्शंस में? यदि वह व्यक्ति अपनी आय की विवरणी संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पहले ही प्रस्तुत कर दे, यानी कि इससे पहले कैलकुलेशन का टाइम आए उससे पहले ही अगर वो दे दें तो उसके ऊपर 276 सीसी के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। यदि उस व्यक्ति पर नियमित कर निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित कुल आय पर देकर अग्रिम कर चुकाए गए या काटे गए कर की राशि को घटाने के बाद जो राशि बचती है 3,000 रुपये से अधिक नहीं है तो भी उसके ऊपर 276 सीसी के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, यानी कि उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं 276 डी की, फेलियर टू प्रोसीजर अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स या लेखा पुस्तक व अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने में त्रुटि करना। अन्य प्रलेख यानी कि और कोई डॉक्यूमेंट जो उसको वहाँ जमा कराए जाने चाहिए थे लेकिन वो जमा नहीं कराता है तो क्या स्थिति होगी? तो यहाँ पे वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे सेक्शन 142(1) के अंतर्गत लेखा पुस्तक व अन्य प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया हो और मांगी गई लेखा पुस्तक व अन्य प्रलेखों को जानबूझकर निर्धारित तिथि को प्रस्तुत न करे, या यदि कोई व्यक्ति 142 के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अपनी लेखा पुस्तकों का ऑडिट यानी कि अंकेशन न करवाए तो उसे 1 वर्ष तक के लिए कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उस पर अपराध के एक ही अपराध के लिए कम से कम 4 रुपये तथा अधिक से अधिक 10 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थदंड भी लगाया जा सकता है जो त्रुटि की संपूर्ण अवधि में चालू रह सकता है, यानी कि जो उसने गलती की है वो जितने लंबे टाइम के लिए की गई होगी उसी के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पे ये बात साफ कही गई है 276 डी में कि अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी तरह की त्रुटि हो, क्योंकि यही ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होती है, टाइम रहते वो ऑडिट्स नहीं करवाते हैं, टाइम रहते वो डॉक्यूमेंट्स को वेल प्रिपेयर नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 277 की, फेलियर फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन एटसेट्रा कि सत्यापन में झूठा बयान देना। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सत्यापन कर रहा है किसी चीज़ को और उसमें झूठा बयान दे रहा है तो यदि कोई व्यक्ति सत्यापन में जानबूझकर झूठा बयान देता है तो निम्न प्रकार से दंड का भागी होगा। कैसे कैसे होगा? यदि उक्त बयान को सही मान लेने की स्थिति में बचने वाले कर की राशि 1,00,000 रुपये तक हो तो कम से कम 3 महीने तक का अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और अर्थदंड होगा। यदि उक्त बयान को सही मान लेने की स्थिति में बचने वाली कर की राशि 1,00,000 रुपये से अधिक हो तो कम से कम 6 महीने और इससे अधिक 7 वर्ष तक का कठोर कारावास का अर्थदंड दिया जाएगा। यहाँ पे ये सेक्शन 277 इसीलिए ही बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ना दे, सत्यापन गलत ना करे। अगर कोई व्यक्ति सत्यापन गलत करता है तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 278 की, अबेटमेंट टू फॉल्स रिटर्न एटसेट्रा। 278 कहता है झूठी घोषणा देने या आय का झूठा विवरण अगर प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करना तो यहाँ पे अगर प्रेरित किया जाता है तो भी उसके ऊपर पनिशमेंट लगेगी। तो यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को उसकी कर योग्य आय के संबंध में झूठी घोषणा देने के लिए आय की झूठी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है या 276 सी के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। अगर गलती भी करता है, घोषणा भी अगर झूठी कर दी तो उसके ऊपर
पनिशमेंट लगाई जाएगी। यदि ऐसे विवरण को सही मान लेने की स्थिति में बचने वाले कर ब्याज या दंड की एक राशि 1,00,000 रुपये तक हो तो कम से कम 3 महीने और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि ऐसे विवरण को सही मान लेने की स्थिति में बचने वाले कर ब्याज या दंड की राशि 1,00,000 रुपये से अधिक हो तो कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और दंड भी दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी ये वही सेम बात कही गई है कि अगर कोई झूठी घोषणा भी करता है या आय का झूठा विवरण भी प्रस्तुत करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 278 सब प्लस ए की, पुनः अपराध करना यानी कि पनिशमेंट फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। दोबारा से अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यदि कोई व्यक्ति जो एक बार जो धाराएं दे रखी हैं 276B 276C1 277 या 278 के अंतर्गत अपराध के लिए सजा पा चुका है, पुनः इन धाराओं में से किसी के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो प्रत्येक अगले अपराध के लिए वह व्यक्ति कम से कम 6 महीने तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और दंड का भागी होगा। तो यहाँ पे वापस पुनः कर अपराध करने के लिए, इससे पहले जो हम देख रहे हैं वो सत्यापन में झूठे हैं, झूठी घोषणा कर ली है, ऑडिट्स नहीं कराई, इन सब की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग कर रहा है कि पुनः करने था पुनः अपराध करना, यानी कि पहले की जो सेक्शन है उसके अंदर उसने अगर कोई गलती करी है उसकी उसको पनिशमेंट मिली है और फिर वो वापस करता है तो 278 प्लस ए ये कहती है पुनः अपराध करने पर सेकेंड टाइम अगर ऐसा वो व्यक्ति करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। प्रोसिक्यूशंस के बारे में हम जो आज ही हमने बात की है, अभी प्रोसिक्यूशंस की कुछ एक दो धाराएं और बाकी हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उन सारे सेक्शंस को कवर करेंगे और प्रोसिक्यूशन का ये अभियोजन वाला पार्ट जिसमें कि पेनल्टी ना लगाकर पनिशमेंट दी जाती है किसी करदाता को, वो वाला पार्ट हम पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।